बताने वाला हूँ कि आपको कोई भी चीज़ अगर इंटरनेशनली बाय करनी है तो इंटरनेशनल शिपिंग कैसे करते हैं और उसके अलावा जो है कस्टम चार्जेस वगैरह कैसे क्या होता है वो सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं अपन, जैसे कि आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने गियर बेस्ट से जो है अभी SJKM का SJ6 लेजेंड बाय किया था। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं गियर बेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। और आप अगर किसी और वेबसाइट का एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ऑलमोस्ट आप इंटरनेशनली अगर किसी भी वेबसाइट से शिप कर रहे हो इंडिया में तो सबका प्रोसीजर जो है वो आई थिंक सेम ही होगा, और कुरियर जो कंपनीज है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है सबके लिए। तो मैंने जो है गियर बेस्ट से SJKM SJ6 लेजेंड बाय किया था और DHL के थ्रू जो है मैंने डिलीवरी चूज़ की थी। तो इंटरनेशनली जब भी आप शिप करते हो कुछ भी कोई भी आइटम तो वहाँ पे एक्चुअली आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं डिलीवरी के। एक होता है नॉर्मली अनरजिस्टर्ड डिलीवरी, एक होता है तो उसमें आपको ट्रैकिंग आईडी मिलता है, और तीसरा मिलता है आपको किसी प्राइवेट कुरियर के थ्रू जिसमें कि DHL हो गया, एक दो और भी ऐसी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो कि इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर है कुरियर कंपनीज। तो इन तीनों में से कोई भी ऑब्वियसली हर एक वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगी तो उनमें से आप जो है मंगा सकते हो। तो सबसे अच्छा ऑप्शन वही रहता है, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है पर सबसे बेस्ट सेफ और सिक्योर जो है वो यही तरीका रहता है कि आप किसी भी प्राइवेट जो कुरियर कंपनी है DHL हो गया या इसके जैसा जो भी कोई दूसरा है उनके थ्रू। तो इंटरनेशनल वेबसाइट जो है बेस्ट वो आप लोगों को पता होगी, AliExpress है, Amazon.com हो गया, GearBest हो गया। तो GearBest जो है वो बेसिकली जो गैजेट्स रहते हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज रहते हैं मोबाइल्स एंड एक्शन कैमराज एंड ऑल दैट, तो उसके लिए बेस्ट वेबसाइट है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है अपनी सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स। तो वहाँ से आप अगर मंगवाना चाहते हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से मंगवा सकते हो बहुत ही ईजीली। तो एक बात तो हो गई डिलीवरी की, अब सेकेंड बात जो है वो है पेमेंट की। तो पेमेंट आपको हमेशा जो है इंटरनेशनली अगर आप शिप कर रहे हो कोई भी चीज़ तो वैसे तो आपको पेमेंट वैसे भी आपके डेबिट कार्ड वगैरह जो उनसे तो आप डायरेक्टली पेमेंट कर ही नहीं सकते नेट बैंकिंग वगैरह से। तो आपको बेस्ट ऑप्शन रहता है पेमेंट के लिए पेपल। पेपल अगर आपको पता नहीं है तो आप सर्च कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एक सिर्फ पेमेंट का गेटवे है पेपल जो कि इंटरनेशनल पेमेंट में आपकी हेल्प करता है। उसमें आपको जस्ट अपना इंटरनेशनल कोई भी कार्ड होना चाहिए आपके पास में, क्रेडिट कार्ड कोई कंपलसरी नहीं है। कई वीडियोज़ में मैंने देखा है कि लोग बोल रहे हैं कि आपकी आपके पास जो है क्रेडिट कार्ड होना चाहिए पेपल के लिए, तो पेपल के लिए क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट कुछ कंपलसरी नहीं है। आपके पास इंटरनेशनल अगर डेबिट कार्ड भी है किसी प्राइवेट बैंक का, ICICI HDFC वगैरह का, तो उससे भी आप जो है वो कर सकते हो पेपल के थ्रू पेमेंट, क्योंकि मैंने उसी से किया है। उसके बाद में जो है आपको कुरियर कंपनी जो है ये मोस्टली 10 दिन के अंदर अंदर जो है प्रोडक्ट डिलीवर करके दे देती है अगर कस्टम वगैरह सब कुछ वही क्लियर करते हैं। कस्टम्स वगैरह किसी भी चीज़ की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप DHL और इसके थ्रू अगर कुछ करते हो बाय बाहर से। तो और सेकेंड थिंग, अगर आप दूसरी जो पोस्ट मेल्स वगैरह जो रहती है उसके थ्रू अगर करते हो तो मैंने तो कभी किया नहीं है पर मैंने ये सुना है कि मतलब उसमें आपको पहले वो जो है आपका पार्सल आता है इंडिया में, उसके बाद में कस्टम डिपार्टमेंट्स आपको एक जो है घर पे लेटर भेजता है, फिर उसका रिप्लाई आपको देना पड़ता है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे वो आपको वापस उनको सेंड करना होता है। तो इस प्रोसेस में आप भी सोच सकते हो कि कितना लंबा मतलब चला जाएगा वो प्रोसेस और बहुत लेंथी हो जाएगा। तो DHL के थ्रू अगर आप मंगवाते हो तो वो सीधा इंडिया में जैसे ही आता है पार्सल DHL वालों के पास में तो वो एयरपोर्ट पर ही सीधा कस्टम डिपार्टमेंट में चला जाता है। उसके बाद में DHL आपको पहले से ही एक दिन पहले जब भी उनको कन्फर्मेशन मिल जाता है पैकेज वहाँ पे, जैसे कि आप मेरा जो है पार्सल उनको हांगकांग में मिला था, तो जैसे ही पार्सल हैंडओवर किया गया हांगकांग में तो उन्होंने मेरे को उसी दिन जो है एक मेल ड्रॉप कर दिया था मेरी मेल आईडी पे कि आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स ये जो है अपलोड करने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स सारे मैंने जैसे कि अपना आईडी कार्ड हो गया एक तो, और आपका एक जो रहने का एड्रेस है कोई भी, आप अगर रेंट पे रह रहे हो तो आपका जो एग्रीमेंट वगैरह होता है उसकी कॉपी लगती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करवा सकते हो उनको, एक परमानेंट और एक वो टेम्प्रेरी जो भी है। वो डॉक्यूमेंट्स आप जैसे ही प्रोवाइड करवाते हो तो पार्सल जैसे ही इंडिया में आता है कस्टम डिपार्टमेंट में जाता है सीधा, तो वो उनको जो है आपके वो प्रूफ दे देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि कस्टम डिपार्टमेंट्स चेक करता है कि उस पर कौन कौन सी ड्यूटीज़ और टैक्सेस वगैरह लगाने हैं। तो उसके लिए क्या होता है बेसिकली कि मैंने कई वेबसाइट पर देखा है कि लोगों ने बोल रखा है कि आप जो है उस पर आगे जहाँ कहीं से भी खरीद रहे हो उसको बोल दो कि उस पर कम प्राइस मेंशन करें ताकि आपका जो है टैक्स बच जाए। तो गाइस ये गलती कभी भूल के भी मत करना कि आप उस पर कम प्राइस मेंशन कर दो, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पास जो है गियर बेस्ट वेबसाइट जो है उस पर मेरे पास कुछ क्रेडिट पॉइंट्स पड़े हुए थे और सेल लगा हुआ था उस पर, तो जो SJKM SJ6 लेजेंड है वो $159 का कैमरा है जो कि सेल में था $125 का, और अभी भी वहाँ पर सेल चल रहा है तो अभी भी आप चेक कर सकते हो आज की डेट में अगर, तो $125 में जो है कैमरा वहाँ पर मिल रहा है।
और बाकी जो है मेरे पास कुछ पॉइंट्स पड़े हुए थे, 60-70 पॉइंट्स कुछ थे शायद गियर बेस्ट के। तो मैंने जब वो कैमरा बाय किया तो मेरे को जो है कैमरा प्लस मैंने एक्सटर्नल माइक जो होता है वो दोनों वहाँ से बाय किए थे और मेरे को ओनली वो मिला था $82। तो जैसे ही कस्टम डिपार्टमेंट में मेरा जो पार्सल है वो पहुँचा तो कस्टम डिपार्टमेंट ने उस पर जो है क्वेरी रेज कर दी। तो कस्टम डिपार्टमेंट में उस पर क्वेरी रेज ये कि एक्शन कैमरा है ये और पार्सल पे जो है आपका जो बॉक्स होता है SJKM HD का उस पर जो है प्राइस मेंशन नहीं होती है। तो उन्होंने क्वेरी रेज की कि ये एक्शन कैमरा इतना सस्ता कैसे हो सकता है, तो हमको कुछ प्रूफ दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग कुछ वीडियोज़ में बता रहे हैं कि प्राइस अगले को बोलो कि कम मेंशन करे वो करे, तो इस सब में कस्टम भी आपसे डबल होशियार है। अगर आप होशियारी दिखाते हो कस्टम के आगे तो वो आपको उल्टा झेल लेंगे, और एक बार अगर आप पकड़े गए तो उस पर फाइन भी है और फिर जो ओरिजिनल प्राइस है उसके हिसाब से जो है आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और प्लस फाइन भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसा काम कभी मत करो। हाँ, आपको अगर कस्टम से रिलीज चाहिए तो आप उस पर गिफ्ट मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मेरा भी जो था वो गिफ्ट ही था कैमरा, तो उस पर गिफ्ट मेंशन था ऑलरेडी, तो गिफ्ट आप मेंशन कर दो। उससे ज़्यादा कुछ भी चेंजेस वगैरह करने को मत बोला। आप अगले को जहाँ कहीं ऑर्डर कर रहे हो जिस वेबसाइट पर उधर नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया होता है उसमें आप ये लिख दो कि मेंशन एज ए गिफ्ट। तो गिफ्ट के तौर पर अगर आपका जो भी कुछ भी पार्सल है वो $100 से बिलो अगर रहता है, ऐसा मैंने सुना है, कन्फर्म मेरे को नहीं पता, पर $100 के बिलो अगर रहता है या फिर $100 तक भी रहता है तो कस्टम डिपार्टमेंट उसको फ्री में रिलीज कर देता है, उस पर कोई भी टैक्सेस और ड्यूटीज नहीं लगाता है। तो मेरे को कुछ भी टैक्स और ड्यूटीज नहीं देनी पड़ी थी। तो अब सेकेंड थिंग ये कि जब कस्टम डिपार्टमेंट ने इशू रेज किया तो उसके बाद में आपको क्या करना होता है। तो अगर ये चीज़ आप बिना प्राइवेट कुरियर कंपनी जो है DHL वगैरह इनके थ्रू करते हो तो आपको भी पता है कि वापस वो रिप्लाई देने में और रिप्लाई देना वगैरह बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो वापस DHL ने मेरे को मेल किया कि आपके जो है पार्सल पे क्वेरी रेज हुई है प्राइस के रिलेटेड कुछ भी, तो आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास तो मतलब मेरे को जिसने भी बंदे ने गिफ्ट किया था तो मैंने सीधा उसको कॉन्टेक्ट किया कि भाई अपना जो है पेमेंट का कुछ भी प्रूफ मांग रहे हो लोग। तो पेपल जिसके थ्रू पेमेंट किया था उसका वो ट्रांजेक्शन का जो भी रिसिप्ट होता है वो रिसिप्ट प्लस जो बैंक अकाउंट का आपका जो स्टेटमेंट होता है कि ये चार्जेस जो डेबिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट का आप ई स्टेटमेंट निकाल सकते हो बहुत ईजिली, तो वो दोनों मैंने जो है उनको प्रोवाइड करवाने पड़े थे। अब अगर पेमेंट कुछ डिफरेंट होता और वहाँ पे कुछ डिफरेंट होता अगर मेंशन, तो कस्टम चार्जेस भी क्या करता है कस्टम वाले कि अगर उसमें कुछ क्वेरी में लफड़ा अगर मिलता है उनको कि हाँ कुछ है गड़बड़, तो फिर वो जो है आपका पार्सल जो है उसकी इंडिया में क्या प्राइस है और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है मार्केट की उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है वो उनके पास लिस्ट होती है। ये मेरे को सब जो है DHL वालों ने बताया कि ऐसा प्रोसीजर होता है। तो वो क्या करते हैं उस लिस्ट के हिसाब से जो है उस प्रोडक्ट की जो है प्राइस निकालते हैं और उस प्राइस के हिसाब से फिर जो कितना टैक्स लगना चाहिए वो लगाते हैं और उसके अलावा प्लस फाइन लगाते हैं क्योंकि आपने कुछ गड़बड़ की है उसमें। तो इसके लिए ऐसी गड़बड़ कभी मत करना, गिफ्ट आप मेंशन करवा देना इजीली तो वो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं करता क्रिएट। तो कस्टम 7 वर्किंग डेज में जो है DHL आपको डिलीवरी दे देता है बेसिकली। तो मेरे को जो है 10th डे को जो है मिला रहा, मेरे को मैंने ऑर्डर किया था 26th ऑफ मे को और मेरे को पार्सल रिसीव हुआ था 4th ऑफ जून को, तो इस वजह से ये डिले हो गया था थोड़ा। और जो है DHL के थ्रू मैंने ऑर्डर किया था, इस वजह से जो है प्रोसेस इतनी फास्ट हो पाई और 10 डेज में भी हो गया डिलीवर, अदरवाइज मेरे को लगता है 20 दिन में भी मेरे को मिल पाता। तो इसके लिए जो है इन वेबसाइट से ऑर्डर करते हो आप अगर इंटरनेशनली कुछ भी तो प्राइवेट कुरियर कंपनीज के थ्रू ही किया करें। और DHL जो है वो बहुत ही बेस्ट है, DHL का जो स्टाफ है उन्होंने मेरे से मतलब मेरा जो उनके साथ जो भी कन्वर्जेशन हुआ जो कुछ भी हुआ इतने मतलब हेल्पफुल है वो लोग और बहुत ही अच्छे से जो है आपको हर एक चीज़ वो समझा देते हैं और सब कुछ कर देते हैं मैनेज उनके साथ। सो अगर आप इंटरनेशनली बाय कर रहे हैं कुछ भी तो DHL वगैरह ऐसी जो प्राइवेट कुरियर कंपनीज है उनके थ्रू ही बाय करना ताकि जो है प्रोसेस बहुत ही ईजी हो सके। तो पैसे जो है उसमें एक्स्ट्रा लगेंगे पर उनकी जो सर्विस है उसमें आपके पैसे जो है वसूल हो जाते हैं। तो अब सेकंड थिंग ये है कि जो है आपको अगर वो कैमरा बाय करना है तो आप पहले तो उस कैमरे का अगर वीडियो आपको देखना है तो मेरा वीडियो में लिंक दे दूंगा यहाँ पर ऊपर आई बटन में, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अदरवाइज आप वीडियो के एंड में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। और वो कैमरा अगर आपको बाय करना है इंडिया में तो अमेज़न पे अभी वो अवेलेबल है, उसका लिंक मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो और खरीद सकते हो उस कैमरा को। तो सेकंड थिंग ये है कि वो कैमरा जो है मैंने इंटरनेशनली क्यों बाय करना पड़ा, क्योंकि इंडिया में जो SJKM की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो लोग 1.5 महीने से आउट ऑफ स्टॉक बैठे हुए हैं। अमेज़न पे वो कैमरा अभी अवेलेबल है, उस टाइम वो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं था जिस टाइम मैंने वहाँ से ऑर्डर किया,
तब कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था एक्चुअली। और आप देखोगे तो गियर बेस्ट की और इंडिया की, चाहे अमेजन ले लो चाहे इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ले लो SJKM की, उन सब पे आप अगर प्राइस कंपेयर करो तो प्राइस में जो है आपको बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। और प्राइस और अवेलेबिलिटी, ये दोनों ही चीज़ें थी जिनकी वजह से मेरे को जो है वहाँ से ये ऑर्डर करना पड़ा था। तो ये बेस्ट रहेगा, आप भी अगर एक बार चेक कर सकते हो दोनों जगह प्राइस वगैरह कंपेयर करके, और आपको जो भी सही लगता है वहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो लिंक्स जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो GearBest और अमेजन दोनों पे ही। और इसके अलावा अगर आपकी और भी फिर भी कोई क्वेरी रहती है, आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा उसका। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फर्दर वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन जो है उससे मिल जाया करेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में उसके पास में जो है आपको एक छोटा सा बेल आइकन दिखेगा, उस पर भी क्लिक करके रखो ताकि जब भी मैं कुछ भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच अगेन गाइस, जय हिंद।